एपिसोड 211, हैप्पी ब्रेकअप। इतना उदास मत हो, हो सकता है अक्षत तुमसे मिलने आए, तनुजा ने कहा। अगर नहीं भी आता है वो, तो भी तुम उदास मत होना। अगर वो चाहता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो तो माफ करना, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए सही लड़का है। सच कहूँ तो तुम पहले ही उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुकी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम उम्र भर उसके लिए यूं ही सैक्रिफाइस करती रहो। दीपिका चुप थी। तनुजा ने खड़े होकर कहा, अच्छा ठीक है, चलो ऐसे घर पर नहीं बैठते, कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाने पीने। हाँ ठीक है, दीपिका ने न चाहते हुए भी हाँ कहा। पूरी दोपहर दोनों यूं ही इधर उधर बाजार में घूमती रहीं। फिर जैसे ही दिन थोड़ा ढलने लगा, वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गईं। इससे पहले कि वो दोनों खाना शुरू कर दी, अरमान ने तनुजा को फोन किया और पूछा, तुम दोनों लड़कियां आखिर हो कहाँ? मैं दीपिका के साथ बाहर डिनर के लिए आई थी, तनुजा ने अपने कांपते हाथों से खाने का बोल उठाते हुए कहा। दिखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तुम फिर अपने उसी घटिया अनहाइजेनिक रेस्टोरेंट में गई हो, अरमान ने घिन से कहा। अपने काम से काम रखो ना, मैं तुम्हें तो नहीं कह रही ना कि यहाँ आकर मेरे साथ खाना खाओ। मैं अकेले यहाँ खुश हूँ, खुशी से मुझे अपना खाना खाने दो, तनुजा ने कहा। जल्दी अपना खाना खत्म करो और घर आओ, मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। मैं भी वो खत्म होते ही घर आ जाऊंगा, अरमान ने कहा। अच्छा, पर मैंने तो दीपिका से वादा किया है कि इसके बाद हम दोनों बार में जाएंगे। तुम ऐसी हालत में बार क्यों जा रही हो, अरमान ने परेशान होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं बस जाऊंगी। मैं दीपिका की कंपनी के लिए वहां जा रही हूँ क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है। अगर वो घर पर अकेली रही तो फालतू में कुछ ना कुछ सोचती रहेगी। एक भाई होने के नाते तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए, तनुजा ने धीरे से कहा। वो इस ब्रेकअप को इतना क्यों बढ़ा रही है, बात का बतंगड़ क्यों बना रही है वो, अरमान ने पूछा। ओह अच्छा, तो क्या तुम भी ब्रेकअप करके ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तनुजा ने उसे धमकाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, रहो उसके साथ। मान ली मैंने तुम्हारी बात कि वो ब्रेकअप की वजह से बहुत उदास है, अरमान ने कहा। डिनर के बाद तनुजा और दीपिका सीधा बार चले गए। तनुजा का ड्रिंक करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन दीपिका ने जिद की ये कहकर कि उसे अकेले ड्रिंक करने में कोई मजा नहीं आ रहा था। दीपिका, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का ड्रिंक करना एक अच्छा आइडिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से जानती हूँ। इस एरिया में मैं अक्सर पेट्रोलिंग के लिए आती हूँ, कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा यहाँ, दीपिका ने ड्रिंक बनाते हुए कहा। कुछ ही समय बाद तनुजा को थोड़ा टिप्सी महसूस होने लगा, पर क्योंकि दीपिका ने उसे दिलासा दिया था कि उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो और पीती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद दीपिका तनुजा को स्टेज के बीचों बीच नाचते देख बेहद हैरान थी। क्या वो वही सीधी साधी भोली भाली सी लड़की थी जिसे वो जानती थी? तभी अरमान ने उसे फोन करके पूछा, तुम दोनों कौन से बार में हो? तनुजा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। वो आगे भी तो बोलो। अरमान को इस बात का एहसास हो चुका था कि वहां कुछ तो गड़बड़ थी। वो तनुजा भाभी ने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है, दीपिका ने कहा। कितनी देर से हो तुम दोनों वहां और ड्रंक? पर उसे तो पीरियड्स हुए हैं ना, क्या कर रही है ये लड़की, अरमान ने परेशान होकर कहा। वो उसे थोड़ी अकल देना चाहता था। उसे फोन दो, उसकी हालत बहुत खराब है, वो फोन नहीं पकड़ पाएगी, दीपिका ने कहा। क्या, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। दीपिका को पता था कि उसका भाई कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से किसी भी बात का बतंगड़ बना लेता था, इसलिए वो भागी भागी तनुजा के पास गई और उसे एक जगह बिठाते हुए कहा, अब तुम यहीं बैठी रहो, मेरा भाई यहाँ आ रहा है। तुम्हारा भाई? मैं नहीं डरती उससे, तनुजा ने अपनी बाहें फैलाकर चिल्लाते हुए कहा। बहुत हो गया उसका, मुझे किसी और मर्द से बात तक नहीं करने देता वो, आज तो मैं अच्छे से मजे करने वाली हूँ। दीपिका अब उसके लिए परेशान हो चुकी थी। अगर अब तुम यहाँ नहीं बैठी ना तो मुझे भी सजा मिलेगी, दीपिका ने कहा। तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, आज मैं तुम्हारे भाई को सजा दूंगी, आज मैं उसे बता दूंगी कि असली बॉस कौन है। इसी के साथ तनुजा ने उसे धक्का दिया और वो दोबारा डांस करने लगी, यहाँ तक कि तनुजा ने अपनी शर्ट के ऊपर के एक दो बटन भी खोल लिए थे, जिससे वो बेहद हॉट लग रही थी। आसपास मौजूद सभी मर्दों की नजरें अब बस उसी पर टिकी थी। दीपिका को पूरा भरोसा था कि उसका भाई अगर उस समय वहां आ गया तो वो उसे जान से मार देगा, इसलिए दीपिका ने जल्दी से अपना पुलिस का आई कार्ड दिखाते हुए उन सभी मर्दों से कहा,
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर तुमने मेरी भाभी के आसपास भी आने की कोशिश की ना तो तुम्हें अंदर कर दूंगी, साइको, कई लोगों ने कहा। और जितने भी समझदार लोग वहाँ मौजूद थे वो सब खुद ब खुद ही तनुजा से दूर भी गए। अब अरमान वहाँ पहुंचा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेज के बीचों बीच नाचते देखा। कई लड़के भी उसके आसपास नाच तो रहे थे पर उनमें से किसी ने भी तनुजा को छुआ तक नहीं था, वो सब बस उसे घूर रहे थे। दीपिका दूसरी ओर हताश होकर तनुजा का कोट अपने हाथ में पकड़े बैठी थी। जैसे ही उसने अपने भाई को इतने गुस्से में देखा वो डर से कांपने लगी। भैया तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। अरमान स्टेज पर गया और तनुजा की बाजू पकड़कर उसे नीचे ले आया। तनुजा ने अपने साथ खड़े एक आदमी का हाथ पकड़ा और बोली, मेरी मदद करो, ये मुझे हैरेस कर रहा है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अरमान इतने गुस्से में था कि उसकी आंखें तक लाल हो चुकी थीं। तनुजा ने सच में उसकी नजरों के सामने किसी और लड़के का हाथ पकड़ा था। अरमान ने उसका हाथ छुड़वाया और चुपचाप तनुजा को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले गया। दीपिका भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसने देखा कि तनुजा अरमान को मार रही थी, सब कुछ कर रही थी ताकि वो उसे छोड़ दे, पर अरमान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, यहाँ तक कि वो उसके बाल तक खींचने लगी थी। ये सब देखकर दीपिका की सांसें फूलने लगी थीं। उसे इस बात का भली भांति एहसास हो चुका था कि तनुजा ड्रिंक करने के बाद बहुत जल्दी अपना आपा खो देती है। अगर उसे ये सब पहले ही पता होता तो वो कभी तनुजा को बार में न लेकर आती। अरमान ने अपना पूरा जोर लगाकर तनुजा को गाड़ी में डाला। तनुजा ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हो बदसूरत आदमी? अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं कौन हूँ। इतना हैंडसम चेहरा तुम्हें बदसूरत लग रहा है? तुमने सच में बहुत शराब पी रखी है। अरमान ने तनुजा को सीट बेल्ट पहनाई और उसके बाद वो गुस्से में दीपिका की तरफ मुड़ा। इतनी भी कितनी पी है इसने? 5 कॉकटेल्स, दीपिका ने कहा। मुझे सच में नहीं पता था इसे इतनी जल्दी चढ़ जाती है। चलो अब गाड़ी में बैठो और तनुजा पर नजर रखना। इसी के साथ अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और वो उन दोनों को घर ले गया। पीछे बैठी तनुजा ने बच्चों की तरह आगे वाली डॉन सीट्स के बीच अपना सिर रखते हुए गाना गाना शुरू किया। हैप्पी ब्रेकअप, हैप्पी ब्रेकअप, तुम्हें एक बेहतर इंसान जल्दी मिल जाएगा। शट अप, इससे अच्छा गाना नहीं मिला तुम्हें गाने को, अरमान ने कहा। तनुजा एक बार तो उदास हो गई, उसके बाद उसने फिर से गाना गाना शुरू कर दिया। फ्रीडम, आजाद हो तुम, हैप्पी ब्रेकअप, बंद करो अब। अरमान को तनुजा की सिंगिंग पसंद तो थी पर ये गाना बिल्कुल नहीं। तनुजा ने उसे एक लुक दी और फिर अपना गाना गाने लगी। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। दीपिका ने अपने भाई की तरफ देखते हुए पूछा, भैया क्या ये सच में मेरी होने वाली भाभी आपसे ब्रेकअप करना चाहती है? शट अप। अब अरमान का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका था, उसका बस चलता तो वो वहीं उसे मार देता। बाकी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करती हैं, प्यार भरी बातें करती हैं जब वो ड्रिंक करती हैं, पर तनुजा अलग थी। उसने तो उसे किस तक नहीं की थी, बल्कि उसने तो उसके बाल खींचे थे। एपिसोड 212, हैंगओवर। फाइनली वो सब घर पहुंच चुके थे। जैसे ही दीपिका ने गाड़ी का दरवाजा खोला, जिमी उनकी तरफ भागते हुए आया। वो खुशी खुशी भौंक रहा था। दीपिका अभी जिमी की पीठ थपथपाने ही लगी थी कि अचानक तनुजा ने उसे उठा लिया। तनुजा ने कहा, अरमान तुम तो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर डिनर पर जाने वाले थे ना, तुम इतनी जल्दी घर पर क्या कर रहे हो? तभी अचानक शीना बाहर आई। वो इस सीन को देखकर बेहद हैरान थी। दीपिका अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका तो बस दिन ही बन गया था ये बात सुनकर। अरमान ने तनुजा की मदद की और कहा, ध्यान से देखो, मैं अरमान हूँ, वो एक कुत्ता है। क्या बकवास कर रहे हो, तुम कुत्ते हो, क्योंकि मैं थोड़ी ड्रिंक कर चुकी हूँ तो तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो, मैं बिल्कुल होश में हूँ। तनुजा ने जिमी को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, अरमान तुम्हारे शरीर पर इतने बाल क्यों हैं? अभी कुछ ही घंटे पहले तो हम मिले थे, तब तो तुम्हारी फर बहुत सॉफ्ट थी, मैं सही कह रही हूँ ना? दीपिका तो जैसे बिल्कुल जमीन पर ही लोटपोट होने लगी थी। तनुजा ने जिमी की फर पर अपना हाथ फेरते हुए आधी खुली आंखों से कहा, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है,
रुको जरा मुझे छू कर देखने दो, वैसे भी हमें एक दूसरे से प्यार के बहुत टाइम हो गया। ओह माय गॉड, मैं अब और नहीं सह सकती, दीपिका ने हंसते हुए कहा। भैया मुझे नहीं पता था आप दोनों इतने वाइल्ड हैं, पेट दर्द और प्यार, क्या बात है। हाँ वैसे भी कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है, या थोड़ा नीचे से तो जाता ही है। अरमान शर्म के मारे लाल हो चुका था, पर तब भी वो तनुजा को ऐसे बकवास करने नहीं दे सकता था। उसने आगे बढ़कर जिमी को तनुजा से छीन लिया। मुझे दो इसे, मेरे अरमान को दर्द हो रहा है, तनुजा ने कहा। अरमान बस अब उससे जबरदस्ती करने ही वाला था। तनुजा जैसी असल में थी उससे बिल्कुल उल्टा बर्ताव कर रही थी। सब लोग उसे ही देख रहे थे, शीना, सोनू, दीपिका। ऊपर कमरे में पहुंचते ही तनुजा बेड पर लेटी और सो गई। अरमान ने नीचे झुककर धीरे से तनुजा के कान में कहा, तनुजा तुमने अभी कहा था ना मेरा दर्द, अब सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ, तुम चाहो तो मेरा इलाज कर सकती हो। जिमी मुझे परेशान मत करो, तनुजा ने अपना सिर कंबल से ढकते हुए कहा। जिमी? क्या इसने अभी मुझे जिमी कहा? ये सुनकर अरमान का चेहरा जैसे मुरझा चुका था। उसने तनुजा के कंधे को पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए पूछा, क्या जिमी बोल सकता है? तनुजा की आंखें बंद हो चुकी थीं, वो उठी नहीं। फाइनली अरमान ने गिव अप कर ही दिया। हारकर वो चुपचाप तनुजा के जूते उतारने लगा। तनुजा अगले दिन सुबह बहुत ज्यादा सिर दर्द के साथ उठी। जैसे ही वो उठकर बैठी, उसे एहसास हुआ कि वो अरमान के घर पर थी और अरमान उसकी साइड में ही लेटा हुआ था। अरमान की बाहें तनुजा की कमर पर थीं। वो हैरान थी, उसे बस ये याद था कि वो दीपिका के साथ बार में थी। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके कपड़े भी बदले हुए थे। वो हैरान हो गई और शर्माने लगी, क्या अरमान ने मेरे कपड़े बदले थे रात को, वो सोचने लगी। उठ गई हो तुम? अरमान ने तनुजा की तरफ देखते हुए पूछा। कल रात मैं यहाँ कैसे आई, क्या आपने मेरे कपड़े, तनुजा ने पूछा। ऑफकोर्स मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, और आ कपड़े भी मैंने ही बदले, क्यों, क्या तुम्हें किसी और से ही उम्मीद थी, अरमान ने कहा। शर्म के मारे तनुजा ने अपना मुंह कंबल से ढक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, ऐसी हालत में भी अरमान ने उसके कपड़े बदले थे। उठो, क्या तुम्हें पता भी है तुमने रात को क्या किया था, अरमान ने तनुजा का कंबल हटाते हुए पूछा। तुम कई अनजान लोगों के साथ डांस फ्लोर पर नाच रही थी, यहाँ तक कि तुमने तो ब्रेकअप सॉन्ग भी गाया मेरे लिए, मेरे ही सामने, तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है, मैं तो कभी कभार ही बार में जाती हूँ, और ब्रेकअप सॉन्ग, मैं क्यों गाऊंगी तुम्हारे सामने ब्रेकअप सॉन्ग, तनुजा बेहद कंफ्यूज हो चुकी थी। अब सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अरमान ने उदास होकर कहा, तुमने सच में ब्रेकअप सॉन्ग गाया था मेरे सामने, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो जाओ और जाकर दीपिका से पूछो। तनुजा अपनी ही सोच में कहीं खो चुकी थी, वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में उसने वो सब किया था। तनुजा ने पहले कभी इतनी ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में उसने क्या ही किया होगा। उसे कल रात की एक भी बात याद नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि लोग और उनके दिमाग में असल जो भी बात होती है ड्रिंक करके वही बोलते हैं। क्या तुम मुझसे परेशान हो चुकी हो, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, अरमान ने उदास होकर कहा। उसके लिए तो तुम्हें एक अच्छा वैलिड रीजन देना होगा पहले। मुझे ब्रेकअप सॉन्ग गाना पसंद है, अब क्या तुम्हें उससे भी दिक्कत है? सुबह सुबह ऐसे अरमान के चिल्लाने की वजह से तनुजा परेशान हो चुकी थी, और इसलिए वो उस पर भी चिल्ला उठी। अगर मैं तुम्हें कोई परफेक्ट रीजन ना दे पाऊं तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे, कोशिश करके देखो जरा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, अरमान ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसे किस करने लगा। तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, तुम्हें उसकी इजाजत नहीं है, अरमान की आंखों में डर साफ छलक रहा था। मैं फिर कभी ब्रेकअप सॉन्ग नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से, उसने कहा। तनुजा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे अचानक याद आया कि कैसे रात को जब उसने उल्टी तक की थी तो भी अरमान ने चुपचाप बस उसे साफ कर दिया था। तनुजा का मानना था कि कोई भी लड़का कभी ऐसा सब नहीं करता, फिर चाहे वो उसे कितना ही पसंद क्यों ना करता हो। ये सब सोचकर तनुजा ने उसे बहुत जोर से हक कर लिया और उसे किस करने लगी। अरमान एक बार के लिए तो रुक गया था, फिर वो भी तनुजा को किस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, सच में जान बसती थी उनके एक दूसरे में। वो दोनों काफी समय तक ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहे।
दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल जैसे कहीं खोसे चुके थे। अब तनुजा अरमान के ऊपर थी। तभी अचानक अरमान ने तनुजा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच दिया। तनुजा डर के मारे कांपने लगी और बोली, क्या कर रहे हैं आप? तनुजा, तुमने तो कहा था ना कल कि तुम सब करोगी, तुम्हें अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए, अरमान ने धीरे से कहा। तनुजा शर्मिंदा होकर सोचने लगी, आखिर मैं ऐसा सब कैसे कह सकती हूँ? तुमने सच में कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही बताओ, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरमान ने अपनी शराफत भरी आंखों के साथ कहा। वो उसे घूर रहा था। तनुजा सच में जाकर बेड के नीचे छुप जाना चाहती थी। और क्या कुछ कहा था मैंने या क्या किया था कल रात? अरमान चुप रहा। उसने तय किया कि वो तनुजा को नहीं बताएगा कि कैसे उसने कल रात दीपिका के सामने ये सब कहा था। वो नहीं चाहता था कि तनुजा इतनी शर्मिंदा हो जाए कि नीचे जाने से भी डरे। नहीं, कुछ और नहीं कहा तुमने, अब तुम वो सब छोड़ो और यहाँ आओ मेरे पास। वो करो जो तुमने कल रात कहा था। अपनी खुद की कही बात से मुकर नहीं सकती तुम, ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। कल रात भी तो तुम सो गई थी ना अचानक से। तकरीबन आधे घंटे बाद अरमान और तनुजा दोनों ही अच्छे से तैयार होकर नीचे पहुंचे। दीपिका डाइनिंग रूम में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उन दोनों को नीचे आते देख उसने कहा, भैया तनुजा तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गए? मेरी क्लास है, तनुजा ने नीचे बैठते हुए कहा। दीपिका कल रात? तनुजा आज के बाद मैं तुम्हें कभी बार में नहीं लेकर जाऊंगी। तुम तो बड़ी आसानी से अपना आपा खो देती हो यार, अपना होश खो दिया था तुमने, दीपिका ने कहा। अपने भाई को ऐसे खुद को घूरते देख उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और कहा, पर हाँ तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। एपिसोड 213 वाटर स्पोर्ट्स। गाने की तो तुम बात ही मत करो, चुपचाप अपना नाश्ता करो, अरमान ने कहा। दीपिका ने चुपचाप दूध का ग्लास उठाया और वो पीने लगी। उसने अचानक एक प्लेट उठाई और कहा, यहाँ पर अंडे रखे हैं। तनुजा हैरान थी, उसे भी अच्छे से पता था कि वो अंडे थे। दीपिका ने फिर ऐसा क्यों बोला होगा? अचानक उसने एक अंडा उठाकर टेबल पर रखा और चम्मच से उसे तोड़ दिया और कहा, देखो अब ये टूट गया है। हाँ टूट गया है, तुम अब खा सकती हो इसे, तनुजा ने कहा। अरमान के पेट में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ इन अंडों को दर्द होता है, दीपिका ने अंडे छीलते हुए कहा। तनुजा हैरान थी। अचानक उसे याद आया कि कल रात हुआ क्या है। वो शर्मा गई, पर फिर भी वो ये दिखाने की कोशिश करती रही जैसे कुछ भी नहीं हुआ था और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। वो अभी खाना खा ही रही थी जब उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी। दीपिका काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। तनुजा ने अरमान की तरफ देखा तो वो भी मुंह में ही हंस रहा था। उसने पूछा, क्या मैंने कुछ और भी किया था कल रात? तनुजा हमेशा की तरह काफी सेंसिटिव थी। कुछ नहीं, अरमान ने दीपिका को घूरते हुए कहा। चुपचाप अपने अंडे खाओ, बड़ी खुश लग रही हो आज तुम। क्या बात है, अक्षत का कोई फोन आया क्या? तुम सच में मेरे भाई हो, दीपिका ने खुश होकर कहा। मैंने कल पूरी रात उसे इग्नोर किया और आज सुबह जब मैं उठी तब उसका मैसेज आया हुआ था ये बताने के लिए कि हम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं और हम नए साल के शुरू होते ही शादी कर लेंगे। अगर सच में मुझे आर्मी में रहने से दिक्कत है तो वो कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है, अरमान ने कहा। उसे शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। अच्छा फिर तो दोनों परिवारों को जल्द से जल्द मिलकर शादी की बात करनी चाहिए, नए साल के शुरुआत में तो होटल्स की बुकिंग मिलना भी मुश्किल होता है, दीपिका ने कहा। तनुजा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी शादी की शॉपिंग के लिए, मेरी शादी का लहंगा खरीदने। वो फ्री नहीं है, हम छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तनुजा हैरान थी, पर मुझे तो लगा कि हम न्यू ईयर के बाद ही जाएंगे। अब क्योंकि न्यू ईयर शुरू होते ही दीपिका की शादी है इसलिए हम उससे पहले ही होकर आ जाना चाहते हैं। ये तो शुक्र है कि मैंने अभी तक टिकट बुक नहीं करवाई थी, दीपिका हैरान थी। क्या आपका जाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अरमान ने उसे घूरते हुए कहा। आखिर अपने फर्स्ट टाइम के लिए वो एक्साइटेड ना होता? तनुजा ने ऐसे दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। हम ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मैंने जगह बस अभी फाइनल ही की है, अरमान ने कहा। हम विटसनडेज आइलैंड चलते हैं, मैंने सुना है कि बहुत सुंदर जगह है वो। वैसे भी आजकल बाली या मालदीव्स जाना तो बहुत कॉमन हो चुका है, हम वहाँ सारे वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। ये सुनकर डर के मारे तनुजा के हाथ कांपने लगे। उसे वाटर स्पोर्ट्स से बहुत डर लगता था। दीपिका खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा,
भैया मुझे भी लगता है कि लड़कियों के लिए ये सब एक्टिविटीज सेफ होती हैं। मुझे पता है, पर तनुजा कोई आम लड़की नहीं है, अरमान ने कहा। तनुजा इरिटेट हो चुकी थी। उसने कहा, मैं आम लड़की हूँ, मुझे नहीं करना ये सब, मैं तो बस वहाँ जाकर सनबात लेने में ही खुश हूँ। अरमान उसे गुस्से से देखने लगा। अच्छा ठीक है, पर फिर तुम्हें वहाँ बीच ड्रेसेस ही पहननी पड़ेंगी। ओ, दीपिका के मुंह से सारा दूध बाहर आ गया। उसका भाई सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तनुजा ने अपनी नजरें झुका ली और ऐसे नाटक करने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। पर मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, काफी समय से मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, दीपिका ने कहा। हम सब इकट्ठे मेरी और अक्षत की शादी के बाद नहीं जा सकते क्या? क्या वो देश से बाहर ट्रैवल कर सकता है? अरमान ने पूछा। दीपिका ये सुनकर परेशान हो गई। वो सही कह रहा था, एक सिपाही के लिए देश के बाहर ट्रैवल करना मुश्किल तो था। अगर तुम्हें अक्षत के साथ घूमने जाना है तो फिर तुम्हें इंडिया में ही घूमना पड़ेगा। ऐसे सपने मत देखो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। अचानक अरमान को ये सोचकर अच्छा लगने लगा था कि अब वो खुद आर्मी में नहीं था। उसे इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार था। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोच रहा था उतनी ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और कहा, मेरा हो गया, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तनुजा हैरान हो गई। इतनी जल्दी? उसने पूछा। अरमान ने कहा, हाँ मैं जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करना चाहता हूँ ताकि हम तुम्हारे दिल्ली से वापस आते ही अपनी ट्रिप पर जा सकें। तनुजा ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्दियों की छुट्टियां काफी नजदीक थीं। सभी बच्चे अपने बैग्स पैक कर रहे थे न्यू ईयर पर अपने घर जाने के लिए। जब उस दिन तनुजा और शिवानी कॉलेज से निकल रहे थे तब वहाँ दिलप्रीत भी मौजूद था और उसने तनुजा से कहा, तनु छुट्टियों में मेरे परिवार वालों से मिलने जरूर आना। मेरी माँ उस दिन कह भी रही थी कि तुम उस दिन अरमान के साथ जाने के बाद कभी उनसे मिलने तक नहीं आई वापस। तनुजा बेहद शर्मिंदा थी। निशा जी ने कई बार तनुजा को इनवाइट किया था पर अरमान ही उसे कहीं जाने नहीं देता था। वैसे तो वो काम पर जाता था सारा दिन, वहीं पर रहता था, पर फिर भी वो तनुजा पर 24 घंटे नजर रखता था फोन से। मैं अपनी क्लासेस को लेकर काफी बिजी थी, आंटी से कहना मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी, पर छुट्टियों में तो मैं अरमान के साथ घूमने जा रही हूँ, उसने दिलप्रीत से कहा। अच्छा ठीक है, दिलप्रीत ने उदास होकर जवाब दिया। पर फिर वहां से मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छे बूट्स मिलते हैं, तुम मेरे लिए वही ले आना। समझो कि तुम्हें मिल गए बस। और इस साल न्यू ईयर पर मैं एक गाना भी गाने वाला हूँ, सुनना जरूर, दिलप्रीत ने तनुजा से कहा। और इसी के साथ वो अपनी वैन में बैठकर वहां से चला गया। जैसे ही उसकी वैन वहां से गई, शिवानी ने तनुजा से कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अगर तुम किसी और के लिए बूट्स खरीदोगी, वो भी तब जब तुम अरमान के साथ कहीं घूमने गई हो, तो इस बात से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो गुस्सा नहीं होगा? शिवानी के सवाल से तनुजा को भी इस बात का एहसास हुआ कि ये तो एक काफी सीरियस दिक्कत थी। आखिर तनुजा कैसे इस सब के बारे में भूल सकती थी? पर अब तो मैंने उसे वादा कर दिया है, ये कैसा रहेगा कि अगर मैं अरमान से कह दूं कि वो बूट्स मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हूँ, तनुजा ने कहा। मुझे नहीं लगता कि अरमान तुम्हें तुम्हारे पिताजी के अलावा किसी और मर्द के लिए गिफ्ट खरीदने देगा, शिवानी ने कहा। क्या वो सच में इतना बुरा है? तनुजा ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? शिवानी ने उसका ही सवाल उसी के ऊपर डाल दिया। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक इतना जेलस बॉयफ्रेंड होना भी परेशानी की बात थी। तनुजा, शिवानी, एक चमचमाती गाड़ी उनके बगल में आकर रुकी। कार के बैक सीट का शीशा नीचे हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उसमें मानसी बैठी थी। तनुजा ज्यादा इतराओ मत, पिछली बार मैं तुम्हें हरा इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि अरमान अब भी तुम में इंटरेस्टेड है, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ जल्द ही तुम इस खेल से बाहर होगी, उसने कहा। तनुजा उससे सच में बात नहीं करना चाहती थी पर शिवानी खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा, आखिर अब क्या करने का सोच रही हो तुम? बंद करो तनुजा को परेशान करना, क्यों एक पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ी रहती हो? मुझे लगता है असल में कुत्ता तो तुम बन चुकी हो तनुजा का, उसके पीछे पीछे घूमती रहती हो और भौंकती रहती हो, देखते हैं कब तक भौंकती हो तुम, मानसी ने कहा। फिर वो तनुजा की तरफ मुड़ी और बोली, अरमान के बचपन का प्यार वापस आ रहा है और वो तुमसे तो कई गुना बेहतर है, अब रोगी तुम। अच्छा तो ये सोच रही हो तुम, मुझे तो उसके बारे में बहुत पहले से पता है, तनुजा ने कहा।